हेलो दोस्तों, देवयानी होम कुकिंग में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में राजस्थानी लहसुन की चटनी की रेसिपी। राजस्थान में इसको रोटले के साथ बहुत ही खाया जाता है और एकदम झटपट बन जाती है। लहसुन की चटनी को आप एक महीने तक, दो महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं एकदम झटपट लहसुन की चटनी की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की चटनी, जो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और सभी खाने के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए ली है हमने सूखी लाल मिर्च, जिसको हमने भिगो के रखी है। एक घंटा इसको भिगोया है और आपको जल्दी हो तो आप इसको गर्म पानी में भी आप भिगो के रख सकते हैं। इसके लिए हमने ली है 100 ग्राम जितनी लहसुन और 100 ग्राम जितनी सूखी लाल मिर्च। इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। मिर्ची को और लहसुन को दोनों को साथ में ग्राइंड कर लेंगे। मिर्ची का पानी यूज नहीं करना है, हमको खाली मिर्ची ही चाहिए। आपको ग्राइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्राइंड हुई है। लाल मिर्च के अंदर हमने बीज इतने सारे नहीं लिए थे, उसको हाफ कट करके अंदर से आधे बीज हमने निकाल दिए थे। इससे चटनी क्या है, थोड़ी कम तीखी होगी। आपको लगे और ग्राइंड करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जो मिर्ची का भिगोया हुआ पानी था वो ही। चटनी को थोड़ा फ्राई करने के लिए हम डालेंगे इधर ऑयल। एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है, ये नॉर्मल ऑयल है। इसी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं जीरा। एक चम्मच जितना जीरा ऐड किया है। जीरा को हमको जलाना नहीं है, इसके अंदर हम डाल देंगे। जीरा चटक चुका है लहसुन की चटनी, और इसको अच्छे से भून लेंगे। सारी चटनी हमने इसमें डाल दी है। एकदम स्लो आंच पे इसको थोड़ा सा भून लेना है और इसको तेज आंच नहीं करनी है, नहीं तो हमारी मिर्ची सारी जल जाएगी, टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे एक चम्मच इतना नमक। नमक चटनी में हमेशा ज्यादा डलता है, चटनी खराब ना हो, ज्यादा दिनों तक चल सके। इसको हम भून रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल रिलीज हो रहा है और चटनी का जो भी एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चर था वो सब जल चुका है। इसको एक मिनट और भून लेंगे। चटनी हमारी अच्छे से भून चुकी है और इसमें अच्छी सी साइन भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब हम चटनी को सर्व कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद। चटनी बहुत ही टेस्टी लग रही है और ये रोटले के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप सब इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और इसको स्टोर करके भी आप एक दो महीने तक आराम से रख सकते हैं। लहसुन की चटनी हम निकाल लेंगे। ठंडी होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपी मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।